हाय गाइस, वेलकम टू डेवलप माइंड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अपने वीडियो के बैकग्राउंड को कैसे चेंज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए आपको क्या क्या चीज का जरूरत है। दोस्तों, सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर से काइंड मास्टर को डाउनलोड कर लेना है। आपको प्ले स्टोर पर जाकर और वहां पे सर्च करना होगा काइंड मास्टर। काइंड मास्टर लिखने के बाद ऑटोमेटिक वहां पे सबसे ऊपर में काइंड मास्टर आ जाएगा और उसे आपको डाउनलोड कर लेना है और इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपको जरूरत पड़ेगा एक ग्रीन स्क्रीन का। जी हाँ दोस्तों, आपको एक पर्दे की जरूरत पड़ेगी जो कि आप जहां भी वीडियो बनाते हो वहां पे आपके पीछे उस पर्दे को लगाना होगा और उसी पे अपना वीडियो को शूट करना होगा। और शूट करने के बाद आप वीडियो के बैकग्राउंड को आसानी से चेंज कर पाएंगे। तो चलिए आपको हम बता देते हैं कि अपने वीडियो के बैकग्राउंड को कैसे चेंज करेंगे। बट उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना ताकि हमारी हर वीडियो सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम आ गए हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे। काइंड मास्टर को इंस्टॉल करने के बाद ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद हमारा काइंड मास्टर ओपन हो जाएगा और प्लस पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से पेज सिलेक्ट करेंगे। पेज सिलेक्ट करने के बाद हमारा जो काइंड मास्टर ओपन हो गया। अब यहाँ से मीडिया पे जाना है। हम जो वीडियो ग्रीन स्क्रीन पे शूट किया है वीडियो उसके ले लेंगे। देखिए यहाँ पे कैमरा में लिखा हुआ है तो कैमरा पर मैंने क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से एक वीडियो जो तीन दिख रहे हैं आप, इसमें कोई एक ले लेंगे। तो चलिए हम इस पे एक क्लिक करेंगे तो कन्वर्ट करने के लिए मांगेगा। यहाँ पे चलिए क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए यूज आपको भी कॉपी करने के लिए बोल रहा है, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम कॉपी पहले ही कर लिए हैं, कन्वर्ट हो चुका है तो हम इसे नहीं करेंगे और चल के हम कन्वर्ट किया हुआ ले लेंगे। यहाँ कन्वर्ट किया हुआ ले लेते हैं। इसको लेने के बाद हम आ जाते हैं इधर। अब देखिए ये वीडियो का जो आवाज है बहुत ही कम है तो इसके आवाज को बढ़ा लेते हैं। आवाज को बढ़ाने के बाद अब आप देखिए ओके। अब आपको यहाँ आप देख रहे हैं इतना एक्स्ट्रा है तो इसे कट कर लेना होगा। इसे कट आउट कर लेंगे। कट आउट करने के बाद अब हमारा ओके। अब यहाँ हम क्या करना है, अब लास्ट में हम चलते हैं इधर भी देख लेते हैं कितना कट करना है। हमारा इधर भी इतना ज्यादा हो रहा है, इसे कट आउट कर लेंगे। अब हमारा देखिए हो गया बैकग्राउंड को कैसे चेंज करेंगे। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ जो आवाज है यहाँ बहुत ही कम आ रहा है। जैसे जैसे हमारा इंड हो रहा है वीडियो वैसे वैसे ऑटोमेटिक कम होते जा रहा है। देखिए वीडियो कर लेने के बाद आप अपने बैकग्राउंड को कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो अब इसको कहीं सही करना है कि हमारा पूरा का पूरा आवाज आए तो हमें यहाँ पे देखिए सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद ऊपर में देखिए ऑडियो में है ऑडियो। अब यहाँ पे ऑडियो फेड आउट इसको ऑफ कर देना है। ऑफ कर देंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए अपना आवाज आप अपने बैकग्राउंड को कैसे चेंज करेंगे। अब पूरा का पूरा आवाज आ रहा है तो अब चलिए यहाँ से अब अपने वीडियो क्या करना है। हमारा ये वीडियो कंप्लीट चुका है, कट हो गया है। अब इसे हम चलिए अब फिर दूसरे में बनाएंगे। अब इसे क्या करना है, एक्सपोर्ट कर देना है। ठीक है, अब एक्सपोर्ट कर देंगे। यहाँ से शेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे दिख रहा है एक्सपोर्ट।
अब देखिए हमारा जो वीडियो है एक्सपोर्ट हो गया है। यहाँ का बैक जाएंगे, बैक जाने के बाद अब यहाँ के इसको डिलीट कर देंगे, अब यहाँ के इसका कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, अब क्या करेंगे, फिर प्लस पे क्लिक करेंगे और ये क्लिक करेंगे पेज, और उसके बाद यहाँ के मीडिया पे जाएंगे। मीडिया पे जाने के बाद बैकग्राउंड को एक लेंगे। चलिए आपको अपने बैकग्राउंड पे ये बैकग्राउंड को क्लिक करते हैं और इसे ले लेते हैं, सही पे लगाते हैं, इधर आते हैं और आपको फिर सेटिंग पेज जाना होगा और यहाँ पे ऑडियो फेड आउट को ऑफ कर देंगे, ऑफ कर देंगे। अब इस पे क्या करेंगे कि हम लेयर लेंगे, लेयर पे जाएंगे और मीडिया पे जाएंगे। अब यहाँ के क्या करना है, हम जो एक्सपोर्ट किए थे उस वीडियो को ले लेंगे, उस वीडियो को ले लेंगे। अब यहाँ पे एक्सपोर्ट हुआ है, कौन हुआ है, अभी का जो एक्सपोर्ट हुआ है ये है, यहाँ ले लेंगे। अब इसको फुल करेंगे, यहाँ पे फुल हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, ये अभी सिलेक्ट है, आप यहाँ पे देखिए सिलेक्ट हो गया है। सिलेक्ट करने के बाद अपनी आवाज़ को बढ़ा देंगे, ओके, और इसको छोड़ देंगे, नहीं तो इसको अगर बढ़ाएंगे तो हमारा आवाज़ जो है वो गूंजेगा तो वीडियो खराब हो जाएगा, ठीक है। इसको ओके कर देंगे। अब देखिए, हाय गाइस, वेलकम टू डेवलप माइंड यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अपने वीडियो के बैकग्राउंड, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि इतना ही आपको बताने के लिए हम कर रहे हैं, तो इसको पूरा का पूरा ये ले लेंगे अपनी वीडियो तक बैकग्राउंड को। चलिए ये आ गया, ठीक है, ओके पिक करके इधर जाएंगे। अब क्या करेंगे हम कि अब इस वीडियो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। क्लिक करने के बाद हम नीचे जाएंगे और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्रोमा की, इस पे क्लिक करें, क्रोमा की पे क्लिक करके अब इसको इनेबल कर देंगे। इनेबल करने के बाद आप देख रहे हैं कि ये जो बैकग्राउंड हमारा है वो कट चुका है, आउट हो चुका है। अब हमारा जो मेरे यहाँ क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इधर लेंगे, हो गया। अब यहाँ के हल्का लेंगे, कट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया, आप देखिए अपने वीडियो। हाय गाइस, वेलकम टू डेवलप माइंड यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अपने वीडियो के बैकग्राउंड को कैसे चेंज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि बैकग्राउंड, ठीक है, अब आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ऐसे ही करके जैसे आप एक्सपोर्ट किए थे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो हमारा वीडियो को एक्सपोर्ट हो जाएगा जिस तरह पहले। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो चलिए फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।